हैं। सुकमा में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ है बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद हुए हैं, 15 घायल हुए हैं। एकलगुडेम में ये नक्सली मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में 6 नक्सली भी ढेर हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है, जवानों को जगदलपुर और रायपुर लाया गया है। टेकलगुडेम में पुलिस ने नया कैंप खोला है, पहले से ही घात लगाए हुए थे नक्सली जिन्होंने फायरिंग की, जिसके बाद 3 जवान शहीद हो गए हैं और 6 नक्सली की मौत हो गई है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नक्सलियों ने 100 से ज्यादा बीजीएल दागे, संख्या 500 के करीब नक्सलियों की बताई जा रही है। पूरी प्लानिंग के साथ यह हमला किया गया और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीएम साहब पहुंचे हैं घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए। 6 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। सीएम खुद घायल जवानों से बातचीत करेंगे, उनका हाल जानेंगे। 6 नक्सलियों के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये नक्सलियों के हमले उस इलाके में हुए हैं जहां वो कभी नहीं चाहते थे कि जवान अपना कैंप लगाएं, लेकिन 2021 से ही यहां पर आए दिन नक्सली कोशिश करते थे जवानों को नुकसान पहुंचाने की। इस बार जवानों ने बड़े ही हिम्मत से उस इलाके में कैंप लगाए जहां पर आज तक कभी भी कैंप नहीं लगाए जा सके थे, जिसके बाद नक्सली घात लगाए जो बैठे थे उन्होंने फायरिंग की है और इस मुठभेड़ में 15 जवान घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे उनका हाल जानने के लिए। देखिए, आज सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा में आज ही वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए वहाँ पर सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ और हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे, अचानक मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों ने गोलीबारी की और इस दुर्घटना में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 14 जवान घायल हुए हैं, जिसमें से 8 जवान यहाँ रायपुर लाए गए हैं, जिसमें से जो ज़्यादा थोड़ा गंभीर हैं यहाँ बालाजी हॉस्पिटल में 4 एडमिट हैं, 4 नारायणा में एडमिट हैं और 6 वहाँ जगदलपुर में ही हैं, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जगदलपुर में है। तो जब से डबल इंजन की सरकार हुई है, नक्सलियों के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और एक कायराना हरकत नक्सली कर रहे हैं, हमारे जवानों में भी बहुत मजबूती के साथ मुकाबला किया है और 3 जो जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा उस श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके शोक संतप्त परिवार को भगवान इस गहन शोक को सहने की शक्ति दे और जितने भी घायल हुए हैं उनके साथ हमारी पूरी सरकार है, उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो ये निर्देशित हम लोग कर दिए हैं और कुल मिला के ये लड़ाई और तेज होगी और नक्सलवाद अब अंतिम समय में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है और लड़ाई हम लोग जीतेंगे। हाँ बिल्कुल बनाई जाएगी, डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं जब से हमारी यहाँ पर सरकार बनी है और आने वाले समय में बिल्कुल नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आए थे, रणनीति बनाए थे, थोड़ी खुलासा करी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना और उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है,
तीन जवान इस पूरे हमले में शहीद हुए, शहादत हुई है, उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीड़ित परिवारों के लिए दुख, उन्होंने कहा कि जो परिवार हैं उन्हें ये दुख सहने की ताकत मिले। घायल जवानों का उन्होंने हालचाल भी जाना है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को तो आपने सुन लिया, लेकिन मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज हो गई और सर्चिंग के दौरान एक सुरंग मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्चिंग के दौरान एक सुरंग मिली है और मुठभेड़ के बाद क्योंकि सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ये सुरंग इससे क्या ताल्लुक है और सुरंग में किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को छिपाने की कोशिश होती थी, इन तमाम चीजों पर अब जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान सुरंग मिली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और जैसे कि अंशिका ने जिक्र भी किया इस बात का कि आखिर क्या पर्पस था इस सुरंग का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुरंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया, सर्च के दौरान यह सुरंग मिली है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना जरूरी था इस इलाके में इस कैंप का बनना, कितना वक्त लगा होगा इस सुरंग को तैयार करने में, यानी कितनी गहरी पैठ इस इलाके में नक्सलियों की रही होगी। यही वजह है कि तिलमिला गए हैं नक्सली, तिलमिला गए हैं इस कैंप के बनने के बाद। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सर्चिंग के दौरान ये सुरंग मिली है। ये बड़ा सवाल कि क्या इस सुरंग का पर्पस था। बिल्कुल, और जिस तरीके से घात लगाए तमाम नक्सली बैठे हुए थे और वहां पर जैसे ही जवानों ने अपने कैंप लगाए फायरिंग शुरू कर दी गई। ये सुरंग इसलिए भी बनाई जा सकती है, क्या पता जो नक्सली अपने आप को बचाना चाह रहे हो या यहां पर वो छुपते थे, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी ये जांच का विषय है और भी ज्यादा तस्वीरें आएंगी सामने। अपने आप में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस सुरंग का भी पता लगा लिया गया है और इसीलिए वाकई में ललित आपने सही कहा, इसलिए वो तिलमिला गए, इसलिए वो बौखला गए कि उनकी जो ये छुपने की जगह है कह सकते हैं हम, जो वो ये बनाई गई है और इसको बनाने में कितना ज्यादा समय लगा है, यानी कि प्री प्लानिंग के तहत ये पूरी वारदात है और मुठभेड़ को अंजाम जिस तरीके से यहाँ पर सेना के जवानों ने बड़े ही हिम्मत से काम किया है उस जगह पर। इससे पहले हम जब बात कर रहे थे डिप्टी सीएम से तो उन्होंने कहा किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस इलाके में जाने की, लेकिन जवानों ने कैंप लगा दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और चलिए